इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए इंदौर के पितृश्वर धाम से 11 किलो चांदी शिला भेजी जाएगी। साथ ही श्री राम भूमि पूजन के अवसर पर पितृश्वर धाम में दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। बहुत दिनों बाद टेंट से निकल कर एक महल में जाने की प्रक्रिया उनकी प्रारंभ हो रही है। तो जैसे 14 साल बाद भगवान राम जब अयोध्या में आए थे और जैसा जश्न मना होगा, उस जश्न को हमने नहीं देखा, पर हम इस जश्न को देखेंगे, इस उत्सव को देखेंगे कि 429 वर्ष भगवान राम अपने जन्म स्थान से दूर रहे और अब उनकी मंदिर निर्माण का भूमि पूजन 5 अगस्त को हो रहा है। मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे इस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं इस देश की लगभग 492 साल पुरानी 492 ईयर्स पुरानी समस्या का निराकरण होने जा रहा है और हमें गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी इनके सत प्रयास से, सद्भावना से सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जो विषय था उसको सेटल करके राम मंदिर निर्माण के आदेश दिए हैं। और ये हमारी पीढ़ी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने आंदोलन भी देखे, न्यायिक प्रक्रिया भी देखी और अब मंदिर निर्माण होते हुए भी हम लोग देखेंगे और उसके आधारशिला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं श्री नीरज याग्निक जी जो बहुत अच्छे इंदौर के साइकिलिस्ट हैं, पहले जम्मू से लेकर आपने कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी, उसके बाद द्वारका से डिब्रूगढ़, वो भी लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा थी। इनकी इच्छा हुई कि मैं अयोध्या जाऊं साइकिल से, तो इन्होंने परसों मुझे बताया तो मैंने कहा कि साइकिल से अयोध्या ही जा रहे हैं, तो इंदौर के पितृश्वर धाम का एक छोटा सा सहयोग जो इंदौर की जनता का है वह टोकन स्वरूप आप लेकर जाएं, तो 11 किलो चांदी की एक शिला लेकर श्री नीरज जी अयोध्या जाएंगे साइकिल से। और इनकी साइकिल की यात्रा कैसी रहेगी ये स्वयं ही बताएंगे, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह अवसर हम सब के लिए, सारे देश के लिए और सारी देश नहीं दुनिया के लिए, क्योंकि मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, पूरा अमेरिका, छोटे छोटे देश थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पर जो भारतीय रह रहे हैं उन सब की ओर से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को बधाई दी और सब लोग लाइव देखेंगे। मैं समझता हूँ इस राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लाइव देखने का भी ये विश्व रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग देखने वाले हैं इसको। और ऐसे क्षण पर हम भारतीयों का भी करते हुए कि हम बहुत उत्साह के साथ 5 अगस्त को बहुत उत्साह के साथ मनाइए, ऐतिहासिक तारीख है। दोपहर को जहां हम सुंदरकांड का पाठ करें, राम नाम का जाप करें, अखंड पाठ हमारे रामायण मंडल के लोग या कुंजन सिंह जी बुंदेला और उनकी टीम खड़ी हुई है, उनके ये सब लोग सुंदरकांड करेंगे मंदिरों में सजावट होगी, मंदिरों में लोग थाल घंटी सब बजाएंगे। और मैं तो आग्रह करूँगा कि इंदौर के नागरिक भी 12:15 पर सब अपने घर पर खड़े खड़े शंख बजाए, थालियाँ बजाए, घंटी बजाए, एक हर्ष ध्वनि होना चाहिए सबके घर से। तो हम इंदौर के लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि इसको एक जश्न की तरह मनाएं, रात में अपने घर पे दीपक जलाएं। पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर 1 लाख दीपक जलाएं, पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उसकी संख्या हमने 10,000 कर दी और वो ग्लास के अंदर हम रखें, क्योंकि यहाँ पर